अगस्त का महीना खत्म हो चुका है और अब बारी है सितंबर की। और सितंबर के मंथ में साउथ से लेकर बॉलीवुड तक काफी सारे बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली। सो लेजेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सितंबर के मंथ में आने वाली 10 बड़ी फिल्मों के बारे में। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। एंड गाइस, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन प्रेस कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को जल्द से स्टार्ट करते हैं। नंबर वन में आता है दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये थलापति विजय की आने वाली मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड मच अवेटेड मूवी है, जो सितंबर मंथ के स्टार्टिंग में ही आने वाली, जहां पर थलापति विजय मूवी के अंदर डबल रोल में नजर आएंगे। एंड डायरेक्टर है ब्रंकट प्रभु, जो 300 करोड़ की बजट के साथ बनने वाली साईफाई एक्शन ड्रामा मूवी। एंड ये मूवी पैन इंडियन स्केल पर रिलीज होने वाली है। और थलापति विजय के फैंस दी गोट लिख के जरूर जाएं। और बात करते हैं रिलीज की, तो इस मूवी को 5 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। A lion is always a lion. नंबर टू में आता है इमरजेंसी, जो कंगना रनावत की आने वाली एक बायोग्राफिकल मूवी है, जिसका स्टोरी इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन इंदिरा गांधी जी के लाइफ के ऊपर बेस्ड होने वाली। यहां पर फिल्म की स्टोरी 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के अराउंड होने वाली, और कंगना रनावत मूवी को खुद डायरेक्शन दे रहे हैं। और बात करते हैं रिलीज की, तो इस मूवी को 6 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। नंबर थ्री में आता है अजयंत रैंडम मोशन। 6 साल से ये मूवी बन रही है, जो साउथ इंडस्ट्री की आने वाली एक बिगेस्ट एडवेंचर इंटरटेनर मूवी, और एक्शन सीक्वेंस भी इस मूवी के अंदर कमाल की देखने को मिलेगी, जिसके अंदर मिनाल मुंडी का सुपर हीरो थॉबिना थॉमस लीड रोल प्ले करने वाले। इसके अलावा मोहन लाल, कीर्ति सेट्टी एंड बासिल जोसेफ भी नजर आएंगे, जिसको डायरेक्शन जितिन लाल ने दिया है। और ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से आने वाली एक बड़ी पैन इंडियन मूवी है, जो अप्रोक्स 100 करोड़ की बजट के अंदर बनने वाली मूवी। और बात करते हैं रिलीज की, तो इस मूवी को 12 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। चल अब मुझे बता अफसर। नंबर फोर में आता है रॉनी द रूलर। एक्शन जोनरा की साउथ इंडस्ट्री से एक बड़ी पैन इंडियन मूवी आने वाली है, जिसके अंदर किरण राज, पी रवि शंकर एंड यश शेट्टी के साथ और भी कलाकार नजर आएंगे। एंड इस मूवी को डायरेक्शन दिया है गुरु तेज शेट्टी, जो एक बड़ी कनाडा लैंग्वेज की आने वाली एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो बेसिकली कनाडा के साथ हिंदी लैंग्वेज में भी आने वाली है। और बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की, तो इस मूवी को 12 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। नंबर फाइव में आता है सेक्टर 36। सेक्टर 36 विक्रांत मेसी की आने वाली एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसको आदित्य निम्बालाकर ने डायरेक्शन दिया है। स्टीयरिंग विक्रांत मेसी, लिप्सिता चक्रवर्ती एंड दीपक दिब्रिया, जहां पर फिल्म की कहानी रियल स्टोरी से इंस्पायर है, जिसका स्टोरी 2005 से लेकर 2006 के अंदर हुए सीरियल किलिंग्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये मूवी सिनेमा घरों में नहीं ओटीटी पर आने वाली है, जैसे विक्रांत मेसी की 12 फेल एंड फिर आई हसीन दिल रुबर रिलीज हुई, जो नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर 13 सितंबर को आने वाली है। नंबर सिक्स में आता है दी बकिंगम मर्डर, जो एक हिंदी लैंग्वेज की आने वाली मिस्ट्री थ्रिलर के ऊपर बेस्ड मूवी, जिसके अंदर करीना कपूर खान लीड रोल में है। और फिल्म के अंदर करीना कपूर खान एक डिटेक्टिव का रोल प्ले करने जा रही, जो फिल्म के अंदर एक बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करने जा रही, जिसको डायरेक्शन देने वाले हैं हर्षल मेहता एंड प्रोड्यूस करने वाले हैं एकता कपूर। और बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की, तो इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। कैसे मारा? नंबर सेवन में आता है योद्धा। बॉलीवुड की ब्रूटल एक्शन जोनरा की मूवी एनिमल एंड किल तो आपने देखा ही होगा। अब इन दोनों को कंपटीशन देने आ रहे हैं योद्धा मूवी, जो बेसिकली हिंदी लैंग्वेज की आने वाली एक टॉप नॉच ब्रूटल एक्शन ड्रामा मूवी है, जिसका अनाउंसमेंट 3 साल पहले हो चुका था। और अब जाके ये मूवी सितंबर के मंथ में आने वाली, जिसका डायरेक्टर है रवि उदयवर एंड इस मूवी को एक्सिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है। स्टीयरिंग सिद्धार्थ चतुर्वेदी, मालविका मोहन एंड राघव जवाल। एंड किल के बाद अब जवाल फिर से नेगेटिव किरदार प्ले करने वाले हैं। सो बात करते हैं योद्धा मूवी की रिलीज की, तो इस मूवी को 20 सितंबर को रिलीज किया जाएगा।
नंबर 8 में आता है देवर। सितंबर के मंथ की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है देवर, एंड 2 साल के बाद सिनेमा घरों में एनटीआर की कोई मूवी देखने को मिलेगा जिसके लिए ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और एनटीआर की लास्ट फिल्म था RRR जो साल 2022 में रिलीज हुआ था। और अब जाके 2 साल के बाद देवर आ रहा है जो जूनियर एनटीआर की मच अवेटेड मूवी है, जो बेसिकली एक बड़ी बजट की पैन इंडियन एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसके अंदर एनटीआर, जानवी कपूर एंड सैफ अली खान नजर आए, जिसका डायरेक्टर है कोरटला सिबा। और इससे पहले कोरटला सिबा एनटीआर के साथ जनता गैरेज कर चुके हैं। और अपडेट के अकॉर्डिंग देवरा 300 करोड़ की बजट के साथ बनने वाली मूवी है, जो एक्चुअली 2 पार्ट में बनने वाली मूवी है, जिसका पहला पार्ट सितंबर के मंथ में आने वाली है, जो सिनेमा घरों में बड़े पर्दे पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में आने वाली है। सो बात करते हैं देवरा पार्ट 1 की रिलीज की, तो इस मूवी को 27 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। नंबर 9 में आता है मैक्स। 27 सितंबर को सिनेमा घरों में देवरा अकेला नहीं, मैक्स भी आने वाली, यानी कि देवरा एंड मैक्स का रिलीज डेट सेम ही है, जहां पर मैक्स साउथ के एक बड़े कलाकार किच्चा सुदीप की आने वाली मास एक्शन मूवी है, डायरेक्ट बाय विजय कार्तिकिया, स्टेयरिंग किच्चा सुदीप, संयुक्ता एंड शिवा राजकुमार, जिसके अंदर किच्चा सुदीप काफी ज्यादा वायलेंस किरदार में नजर आए, जो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम लैंग्वेज में भी आने वाली, जिससे एक्सपेक्टेशन भी काफी ज्यादा है एंड फैंस इस मूवी के ये बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो 27 सितंबर को सिनेमा घरों में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। नंबर 10 में आता है ओजी। साउथ के एक बड़े फैन बेस रखने वाले सुपरस्टार पवन कल्याण की 27 सितंबर को एक मूवी आने वाली, जिसका नाम है ओजी, एंड ओजी मूवी मैक्स एंड देवरा के साथ एक तगड़ी क्लैश करने वाली। सो ओजी मूवी पवन कल्याण की आने वाली एक गैंगस्टर ड्रामा मूवी है, जिसको डायरेक्टर सुजीत ने डायरेक्शन दिया है। और फिल्म के अंदर पवन कल्याण एक गैंगस्टर का रोल प्ले करने वाले, जो 250 करोड़ की बजट के साथ बनने वाली मूवी है, जिसके अंदर पवन कल्याण, प्रियंका मोहन एंड इमरान हाशमी लीड में है। एंड ओजी फिल्म के अंदर इमरान हाशमी नेगेटिव किरदार प्ले करने वाले, एंड फिल्म के अंदर एक बड़ा सरप्राइज है जो आपको फिल्म रिलीज होने के बाद पता चलेगा, जो सिनेमा घरों में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम लैंग्वेज में भी आने वाली। और बात करते हैं ओजी फिल्म की रिलीज की, तो इस मूवी को 27 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। तो यही था सितंबर के मंथ में आने वाली 10 बड़ी फिल्में। इनमें से कौन से फिल्म के लिए आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बता। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूल। सो आज के लिए इतना ही, चलिए वीडियो को खत्म करते हैं।